गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है, वे लोग ये बोलते हैं कि IVF में जब अंडा निकालेंगे, एग पिकअप करेंगे, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, भर्ती रहना पड़ता है, या किसी प्रकार का ऑपरेशन या चीरा फाड़ी तो नहीं होती। ये काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट है, कृपया इस बारे में आप बताइए। ओके, ये एक बहुत कॉमन एक भय रहता है कि एक जब मैं रिट्रीव करूंगा, जब मैं अंडा निकालूंगा, तो एक बिल्कुल क्लियर सी बात है कि एग निकालते समय पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये अंडा निकालने की जो प्रक्रिया है ये बेहोशी में की जाती है। ये जो बेहोशी है ये जनरल एनेस्थीसिया को लेके भी लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां रहती हैं। लोग सोचते हैं कि एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी का जो इंजेक्शन लगेगा वो पीठ में या कमर में लगेगा, ऐसा नहीं है। जो इंजेक्शन से हम बेहोशी 10 मिनट या 15 मिनट के लिए देते हैं, हमारे पास में एक क्वालिफाइड बेहोशी के स्पेशलिस्ट रहते हैं, एनेस्थेटिस्ट रहते हैं। वो इंजेक्शन जैसे हम नस में इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ पर, उसी इंजेक्शन के थ्रू हम दवाई देके पेशेंट को 15 मिनट के लिए एक डीप निद्रा में ले जाते हैं। इसलिए ये कहना कि अंडा निकालते समय आपको बहुत तकलीफ होगी या आपका बहुत बड़ा कोई चीरा फाड़ी हो गया या फिर आपका कोई ऑपरेशन होगा, तो ये मन से निकाल देना चाहिए। और कई बार IVF नहीं कराने का अपने अंडे से शायद ये भय भी रहता है कि मेरे अंडे शायद अच्छे नहीं निकलेंगे या फिर अंडा निकालते समय बहुत तकलीफ होगी, जिसके कारण हो सकता है कि हमको बहुत प्रॉब्लम हो या अस्पताल में भर्ती होना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और उससे बहुत ज़्यादा नहीं डरते। आपको यदि ये लाइव देखना है तो मेरे एक वीडियो डाला हुआ है, इसका लिंक मैं इस वीडियो में डालूंगा, आप उस लिंक को खोल के देखिए। आपको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर में खुद के अंडे से जब हम IVF करते हैं तो अंडा निकालते समय कैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, वो पूरा डिटेल में उसमें डाला हुआ है। इसलिए एक रिट्रीवल एक OPD प्रोसीजर आप बोल सकते हो कि आप 11 हम जैसे 12 बजे दिन में यदि आप कराते हैं तो मैं 3 या 4 बजे तक पेशेंट घर चली जाती है और 1 से 1.5 घंटे तक का थोड़ा डीप खुमारी रहती है और जो हम अंडा निकालने का जो प्रक्रिया होती है ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट तक चलती है। आशा है इससे लोगों को एक राहत मिलेगी कि एग निकालने का या अंडा निकालने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, ना कोई बड़ा ऑपरेशन होता, ना कोई चीरफाड़ होती है और ये पूर्णतः बेहोशी में की जाती है और इसमें किसी तरह की कोई दर्द का एहसास नहीं होता। आशा है ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।